रविवार और सोमवार को हुई भारी बारिश के कारण तहसील लड़बड़ोल क्षेत्र के पटवार सर्कल रिहड़ू के पटवार भवन की छत का प्लास्टर और स्लैब का कुछ हिस्सा गिरने से भवन में रखी कुर्सी और टेबल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस घटना का पता मंगलवार को सुबह तब पता चला जब पटवारी की सहायिका ने भवन का दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर कुर्सी और टेबल के ऊपर छत का मलबा पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी तुरंत उन्होंने हल्का पटवारी राजकुमार को दी। सूचना मिलते ही पटवारी राजकुमार पटवार सर्कल पहुंचे और इस घटना की सूचना तहसीलदार कार्यालय को दी। गनीमत रही कि यह घटना छुट्टियों के दौरान घटी। अगर किसी और दिन होती तो भवन में कार्यरत कर्मचारियों को भी नुकसान पहुंच सकता था। इस बारे में कार्यालय कानगो बुद्धि सिंह चागरा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा तहसील हल्का के 16 पटवार भवन और 2 कानगो भवनों को असुरक्षित घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन भवनों में रखे सामान को दूसरे भवनों में स्थानांतरण करने के लिए उचित अधिकारियों से परमिशन मांगी गई है। परमिशन मिलते ही इन भवनों में रखे सामान को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ENTV के लिए लड़बड़ोल से प्रमोद धीमान की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।